हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 31 और 31 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 48 सेक्शन सीपीसी के अंदर एक ही सेक्शन से है हमारे पास, लिमिटेशंस कवर करता है एग्जीक्यूशन के, हमारे पास रिलेटिंग्स एग्जीक्यूशन के जो हमारे पास जो सेक्शंस कवर करता है सीपीसी के अंदर, वो सेक्शन एक ही है हमारे पास 48। वो क्या करता है हमारे पास, लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, कि हम एग्जीक्यूशन कितने वक्त के अंदर जो डिक्री है उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, जो ऑर्डर हमारे पास उसकी एग्जीक्यूशन कितने टाइम के, जो हमारे पास कितना टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर हम उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई डिक्री पास हुई, ए ने सूट फाइल किया बी पर और डिक्री जो है पास हो गई प्रॉपरली और जस्टली पास हुई, किसकी फेवर में, ए की फेवर में, तो ए क्या हुआ, डिग्री होल्डर हुआ। और जिसके अगेंस्ट में हुआ, मीन्स किसके अगेंस्ट में, बी के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में हुआ वो क्या हुआ, जजमेंट डेटर। अब जो डिग्री जब पास हुई, ठीक है, डिग्री के पास टाइम दिया जाता है जजमेंट डेटर को कि वो अगर चाहे तो फिर वो अपील कर सकता है, अगर अपील नहीं करता है तो अपील के बाद टाइम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन का। जब एग्जीक्यूशन का जो टाइम स्टार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, मीन्स हमारे पास कब तक जो है एक डिग्री वैलिड रहेगी एग्जीक्यूशन के लिए। आ रही बात समझ में, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, जो हमारे पास बेयर रीडिंग है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 48 सेक्शन नंबर है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पर एक सेंस आपको पढ़ना है, हमेशा एक सेंस समझना है, हम आप जो है ये हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको लॉ की जो लीगल जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव लैंग्वेज की बात कर रहा है और कहाँ पर नेगेटिव में पॉजिटिव बात कर रहा है और कहाँ पर पॉजिटिव में नेगेटिव आ रही है चीज़। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पर कह रहा है कि एग्जीक्यूशन है वो बार्ड है कुछ केसों में, तो फिर अलो की बात कहाँ है। अब हमारे पास एग्जीक्यूशन कब हम करवा सकते हैं, कितने पीरियड के लिए करवा सकते हैं, ये तो इसके जो टाइटल है उसमें से समझ में नहीं आ रही हमें, तो फिर आपको ये समझना है। अब इसकी बेयर रीडिंग पढ़ लेते हैं। बेयर रीडिंग हमारे पास कहता है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस वेयर एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री नॉट बीइंग अ डिक्री ग्रांटिंग एन इंजंक्शन हैज़ बीन मेड। अब कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास कोर्ट के अंदर लाई जाए जो कि एक इंजंक्शन से रिलेटेड ना हो, मीन्स स्टे ऑर्डर की जो डिक्री है उससे रिलेटेड ना हो, बाकी जो भी डिक्री हो आपकी, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आप आ रहे हैं, तो फिर उसकी वो डिक्री जो है क्या होगी, नो ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम डिक्री शैल बी मेड अपॉन एनी फ्रेश एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ईयर्स। अब 6 साल के बाद आप नहीं आ सकते, यहाँ पर नेगेटिव बात आ गई कि 6 साल के बाद नहीं आ सकते, मतलब एडमिशन हो गई कि 6 साल के अंदर आप आ सकते हैं, ये बात क्लियर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, आपको ये हमेशा जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ें, कोई भी सेक्शन पढ़ें, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, तो फिर उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आना, उसकी लैंग्वेज ज़रूरी होती है। कोई कोई ऐसे भी हमारे पास वकील होते हैं कोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं, सर ये तो कह रहा है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस, ये एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, मगर आपने उसका बेयर रीडिंग करना है, जो कंटेंट्स दिया गया है सेक्शन से में वो आपने पढ़ना है और वो समझना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि 6 साल के बाद आप आएंगे तो एग्जीक्यूशन अलो नहीं होगी, जहाँ तक बात क्लियर है, मगर 6 साल के अंदर आप आ सकते हैं, ये भी बात इसके अंदर क्लियर हो गई, मीन्स 6 साल के बाद एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी कोई भी कोर्ट, मगर 6 साल के अंदर आप एग्जीक्यूशन करवाने आएंगे तो एग्जीक्यूशन अलो कर दी जाएगी और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल मेंटेनेबल रहेगी, मगर 6 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। तो आइए आगे देख लेते हैं कहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, द डेट, आइए देख लें, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो कि इंजंक्शन की ना हो, अब शैल नॉट बी मेड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। अब टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री, जो भी हमारे पास डिग्री की डेट हुई है उस डिग्री से 6 साल तक। फॉर एग्जांपल, डिग्री पास हुई 10 जनवरी को और उसकी हमारे पास अपील का जो टाइम पीरियड था
30 डेज था, ठीक है, जो भी हमारे पास उसके बाद जो डेट आ रही है उससे 6 साल हमारे पास 6 ईयर्स काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद बी में कहता है आफ्टर डिफॉल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। अब जब डिक्री कोई पास हो गई, आ रही बात समझ में, डिक्री पास ए के, ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, और सूट जो है हमारे पास ए की फेवर में आ गया, मगर बी कहता है कि साहब मैं इसकी डिक्री जो है वो क्या करवाऊँगा, सेटिस्फाई करवाऊँगा, ये मीन्स एडजस्ट करवा लूँगा मैं, मुझे टाइम दिया जाए। तो कोर्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके अंदर हमारे पास जजमेंट डेटर कोर्ट से टाइम लेता है और टाइम अलो कर दिया जाता है, मगर उस टाइम के बाद अगर उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो फिर उस डेट से होगा। फॉर एग्जांपल टाइम अलो हो गया कितने साल का, 5 साल का, या फिर 6 साल का आपको टाइम हो गया कि सर मैं 6 साल के अंदर दे दूँगा, मगर 6 साल के अंदर नहीं दे रहा, तो फिर 6 साल के बाद फिर आपको और 6 साल मिल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ये बी कहता है। और उसके बाद हमारे पास सब सेक्शन 2 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू, कोई भी ऐसी चीज़ इस सेक्शन में नहीं है जो के समझी जाएगी, मीन्स किसी को रोका जाएगा कोर्ट को, प्रिक्लूड कोर्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग ऑफ एग्जीक्यूशन प्रेजेंटेड आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। अब 6 साल के बाद भी, अब सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 6 साल के बाद भी आ रहे हैं तो मगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हैं, उसके अंदर कोर्ट जो है कोर्ट को रोका नहीं जा सकता है कि आप इसकी एग्जीक्यूशन ना करवाएं। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड था कितना था हमारे पास, 6 साल था, ठीक है, मगर ये आ रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए 8 साल बाद, 8 ईयर्स, ठीक है, मगर फिर भी कोर्ट कह रही है अब इसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे, मगर किन ग्राउंड पर, जबकि जो जजमेंट डेटर है उसने फ्रॉड में रखा हुआ है डिक्री होल्डर को, डिक्री होल्डर से फ्रॉड किया हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर उसको फोर्स करके रखा था कि आप एग्जीक्यूशन नहीं करवाएं, उसको रोक के रखा था कि आप एग्जीक्यूशन नहीं करवाएं, तो फिर भी हमारे पास कोर्ट को इख्तियार है कि वो टाइम कवर जो 6 साल का टाइम दिया था उसको एक्सटेंड करके कभी भी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अलो करवा सकती है। अब बी में कहा गया है कि जो हमारे पास जो लिमिटेशन एक्ट है उसके सेक्शंस हैं और शेड्यूल फर्स्ट में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, टाइम जो हमारे पास टाइम पीरियड कवर्स करते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है, उसका आर्टिकल 183 जो 6 ईयर्स प्रोवाइड करता है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक आप अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।